पूरी पूनम दी दे रात बाबू पूरी ने पूनम दी दे रात भजन के पीछे एक कहानी है जो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको वो इतनी दूरी में नहीं ले जाऊंगा। देवलबाई जो थी वो शक्ति का अवतार थी और चारणी कुल में, चारण कुल में देवलबाई ने जन्म लिया। वो शक्ति की मान्यता थी, जैसे गुजरात में खोडियार माता है, चांपल माता है, मामड़ माता है, आवड़ माता है, करणी माता है, तो ये सब चारण कुल की देवियां हैं। बाबूजी की जो मां थी वो इंद्र के इंद्रलोक की अप्सरा थी, लेकिन बचपन में बाबूजी के पिताजी के साथ में उनका जो वचन था वो वचन नहीं निभा पाने के कारण वो जो परी थी वो वापस इंद्रलोक लौट गई थी। लेकिन अपने पुत्र को वचन दिया था कि मैं अपने गोद में नहीं खिला पाई, लेकिन मैं अपनी पीठ पर तुझे खिलाऊंगी, तुझे पीठ पर मैं अपने जीवन में, तेरे जीवन में कभी न कभी मैं तेरे साथ में रहूंगी। और दूसरे जन्म में बाबूजी की मां ने घोड़ी के रूप में जन्म लिया। हमारे देश में घोड़े घोड़ियों का, देश की रक्षा और देश की सुरक्षा, भारत माता की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। शूरवीरों के जीवन में, जैसे महाराणा प्रताप के जीवन में चेतक का बड़ा महत्व रहा, बाबूजी महाराज के जीवन में भी उस केसर काल की घोड़ी का बड़ा महत्व था। घोड़ी के रूप में बाबूजी की मां ने देवलबाई चारणी के घर में घोड़ी के रूप में जन्म लिया और उस घोड़ी का नाम था केसर कालवी। और बाबूजी के सपने में मां ने आके कहा कि मैं घोड़ी के रूप में आई हूं, देवलबाई के घर में हूं और मैं अपने पुत्र को देखना चाहती हूं कि मेरा पुत्र कितना जवान हुआ, कितना बड़ा हुआ। हे बेटा, घोड़ी भरी जरूर हो, लेकिन तेरी, तुझे जन्म लेने वाली मैं पिछले जन्म की तेरी मां। बाबूजी सुबह उठ के प्रभात में जल्दी देवलबाई के आंगने में जाके जब बाबूजी की नजर घोड़ी पर पड़ी तो बाबूजी महाराज ने उस घोड़ी में अपनी मां का दिव्य रूप देखा। और कालवी घोड़ी की नजर जब बाबूजी के ऊपर पड़ी
तो उसकी आंखों में से टप 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 कर आंसू बहने लगे। घोड़ी ने अपने पुत्र को वात्सल्य भाव से देखा। बाबूजी को उस घोड़ी की आंखों में ममता नजर आई और दोनों का ऐसा मिलन हुआ कि देवलबाई के पास में जाके बाबूजी ने कहा कि मैं ये घोड़ी आपसे मांगने आया हूं, ये घोड़ी मुझे दे दो। हमारे गजपाल सिंह जी राठौड़ बैठे हैं, मैंने राठौड़ों के इतिहास को पढ़ा है। रणबंका राठौड़ों के मूल पुरुष राजस्थान में राव सिंहा जी हुए, जो पहले राठौड़ आए और वो भी दक्षिण भारत से राठौड़ आए थे, लेकिन राजस्थान का जो अस्तित्व है वो राठौड़ों के पीछे बच गया। मेवाड़ का अस्तित्व सिसोदिया वंश के कारण बच गया। बाबूजी ने जब देवलबाई से ये मांग करी कि देवलबाई साहब आप शक्ति के रूप में हो और आपके यहां इतनी सारी घोड़ियां हैं, आप यदि मुझे केसर काल की घोड़ी यदि मुझे दे देंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा, ये घोड़ी मुझे दे दीजिए। पर देवलबाई धर्म संकट में आ गई। हमारे प्रमोद जी भाई साहब बैठे हैं, फूलचंद जी बैठे हैं, धर्मनाथ जी जोशी जी बैठे हैं। धर्म संकट में क्यों आई? क्योंकि मात्र दो दिन पहले देवलबाई ने उस घोड़ी को बाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची को देने का वचन दे चुकी थी और उनके मन में आया कि मैं घोड़ी दी इनको दे दी तो साड़ा और बहनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस समय झगड़े जमीन के कारण, घोड़ी के घोड़े गाय के कारण, इन कारण से झगड़े होते थे। और देवलबाई कतई नहीं चाहती थी कि मेरे कारण से इस परिवार में कोई बिखराव हो जाए, क्योंकि ये बहनों ही है, ये इनकी साड़ा है, कल घोड़ी इनको दे दी और वचन ही मैंने इनको दिया था देने का, झगड़ा कौन निपटाएगा, मैं झगड़े में नहीं रहना चाहती। क्योंकि सतयुग में मां अमिया कवाई शिव शंकर घर रानी और देव दानव ने मैं ही लड़ाया, पर मैं झगड़ा से न्यारी। त्रेता युग में सीता कहवाई राम चंद्र घर रानी, राम रावण ने मैं ही लड़ाया पर मैं झगड़े से न्यारी। द्वापर युग में द्रौपदी कहवाई पांच पांडव घर नारी, कौरव पांडव ने मैं ही लड़ाया पर मैं झगड़े से न्यारी। बात यहीं पर भी यही है कि मैं झगड़े से न्यारी। अब देखिए क्या हुआ, बाबूजी ने कहा, देवलबाई ने पूछा उनको, परी करो मन डारी रे बात बाबू, परी करो मन डारी रे बा। किणरे का माने आया पावणा रे जी, परी करो मन डारी रे बात बाबू, परी करो मन डारी रे बा, किणरे का माने आया पावणा रे जी। बाबूजी ने क्या कहा, अरे घोड़ा कोनी पाए गोरे माय, देवलबाई घोड़ा कोनी पाए गोरे माँ, घोड़ी तो तेरा वो केसर काल भी वो जी। बाबूजी घोड़ा तो है ही नहीं, कहीं दे, क्योंकि घोड़ा मारे होता चार और एक तो ले गया रामदेव जी, एक ले गया रावण मालदेव जी, एक सवाई भोज बगड़ावट ले गया, अब छोटी सी बचेरी घोड़ी है बाबू, ये तो छोटी है, इसको कैसे दो। बाबूजी को लगा कि शायद इनके मन में कोई शंका है, बाबूजी ने हाथ जोड़ के देवलबाई के चरणों में गिर गए, बोले हे मां
तू शक्ति है और मैं क्षत्रिय हूं। शक्ति के साथ के बिना क्षत्रिय लड़ नहीं पाएगा। और हे मां, जब तक तुम साथ नहीं दोगी तब तक मैं इस धर्म युद्ध को कैसे लड़ूंगा। ये मुझे घोड़ी दे दो, मैं आपके सामने अरदास करता हूं, तुम शक्ति के अवतार के रूप में हो, मुझे घोड़ी दे दो। और बाबूजी ने जब शक्ति का आह्वान कर दिया तो देवल भाई से भाई साहब सभी बातें भूलकर केसर काली घोड़ी ले जाकर बाबूजी को दे दी। बाबूजी का और केसर काली घोड़ी का जीवन का बहुत करीब का संबंध रहा। बाबूजी केसर काली घोड़ी को अपनी मां के रूप में मां तुल्य मानते थे। केसर काली घोड़ी अपने पुत्र जैसे उस बाबूजी के हर संकट में उनके साथ में रहती। लेकिन इसी बात का झगड़ा हो गया उनके साला बहनों के बीच में। बाबूजी का बहनोई बाबूजी की गायें घेर ले गया और बाबूजी ने गौ द्रोही अपने बहनोई को बख्शा नहीं। बस ये कहानी है। और अंत में राडा जी की भी यही कहानी। छतरी कुल रे बेले रे अब भवानी, दोनों हाथ उठा लो। ए छतरी कुल रे, छतरी कुल रे बेले रे आय भवानी, छतरी कुल रे बेले रे बाबू रे आई जे रे पगोरे पागड़े रे जी सिमरु सुंधारे वाली नाय भवानी, सिमरु नगणी ची मम्मा भारत में सिवरु रे भवानी काल तारे जी ए परा मनावो पावन रे वीर भई भई परा मनावो पावन रे वीर एक को मनावो खेड़ेरो खेतड़ो राठौड़ी ने पूजे देश, राठौड़ी ने पूजे देश, हे राठौड़ी ने पूजे देश में। सभी लोग दोनों हाथों को उठाकर बोली नागिनी ची मात की, चामुंडा मात की, एक सच